एनडीए एकजुट होकर इकट्ठा होकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया है और बहुत बढ़िया बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि वो जब बनी है तो बिहार के लोगों को भी लगता है कि हमारे घर की बेटी बनी है। और द्रौपदी जी ने जिस तरह बातें कही हैं, वोट तो जीत ही लिया है, 14 करोड़ बिहारियों का दिल भी जीत लिया। हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं, सबका उनको साथ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि गरीब आदिवासी महिला जिनके कुछ दिन पहले पति का देहांत हुआ, कोरोना काल में उनके 2 बेटे चले गए, आज वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है, एक मजबूती से वो खड़ी हैं, हम सब उनके साथ हैं। और आप लोगों के लिए भी जो रोज कोई ना कोई खबर चलाते थे, उनको भी आज लगा होगा कितना बढ़िया फुटेज मिला है। एनडीए इकट्ठा और एकजुट है और ये सदा के लिए एकजुट रहेगा, यहाँ से ये भी संदेश गया है। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले सरकार से जुदा करने के नारे लगाए गए थे, उस पर कोई तैयार नहीं की गई है, हमने सुना नहीं है। हम तो उद्योग जो जुदा हो गया था उसको जोड़ने में लगे। आपको पता है कि अभी जो बंगाल में इन्वेस्टर मीट हुआ उसमें आप लोग नहीं आए, और बंगाल के अंदर जो इन्वेस्ट बिहार हुआ उसके अंदर 600 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क भागलपुर में, फिर एक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 300 करोड़ और टेक्सटाइल के लोगों ने और लेदर में इतना ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है कि हम लोग जमीन देने की स्थिति में नहीं। बिहार में उद्योग का द्वार खुल गया है। जल्दी पीयूष गोयल जी से बात हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है, अनुरोध किया है। हम लोग चंपारण में जहां मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहां इन्वेस्ट बिहार करेंगे, चंपारण इन्वेस्टर मीट करेंगे। गांधी जी आए थे तो देश को आज़ादी मिली और पीयूष गोयल जी को हमने कहा है आप आइए, बेरोजगारी से हमें आज़ाद होना है, तो हम चंपारण इन्वेस्टर मीट करेंगे।